तो दोस्तों कटरीना कैफ के पति जी और सैफ अली खान की पुत्री जी सारा अली खान और विकी कौशल की फिल्म जरा फ्लॉप जरा डिजास्टर कल रिलीज होने वाली है। सॉरी, फिल्म का नाम है जरा हटके जरा बचके। फिल्म का नाम इसीलिए मैंने चेंज किया क्योंकि जो एडवांस बुकिंग है वो देखकर लग रहा है ये फिल्म या तो ज़रा हिट होगी या ज़रा फ्लॉप होगी या ज़्यादा डिजास्टर होगी, ऐसा कुछ होगा। ये वीडियो क्यों बनाया है मैंने, यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ फिल्म का बजट कितना है, पहले दिन का कलेक्शन कितना हुआ है एडवांस बुकिंग के थ्रू, और क्या यह फिल्म हिट हो पाएगी नहीं हो पाएगी, क्या रन टाइम है, सब कुछ डिटेल आपके साथ शेयर करनी है। तो सबसे पहले मैं रन टाइम बता दूं आपको, फिल्म का रन टाइम अभी 2 घंटा और 12 मिनट की फिल्म है। बाकी दोस्तों शो की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा शो जैसे होता है मुंबई और दिल्ली में ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा मतलब कितना तो दिल्ली और मुंबई दोनों जगह पे 450 शो है, यानी कि दिल्ली में भी 450 है और मुंबई में भी 450 है, बाकी सब जगह पे भी 200-250 शो लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों दिक्कत की बात ये है कि ग्रीन सिग्नल सब पर है, यानी कि कोई भी शो हाउसफुल भी नहीं है और कहीं पर फिल्म फास्ट भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन देख रहे हैं आप स्क्रीन पर। तो एडवांस बुकिंग कितना मिला है, एडवांस बुकिंग मिला है 16 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, 16 लाख रुपए एडवांस बुकिंग मिला है और फिल्म रिलीज़ होने में अभी 24 घंटे से कम का समय बाकी है। चलो अभी 16 लाख हुआ है, रात को होते होते हुए भी ये लगभग 25 लाख मेरे ख्याल से मैक्सिमम 25 लाख का एडवांस बुकिंग कर पाएगी। पहले दिन कितना होगा, तो भाई अभी कलेक्शन जो मिला है उसके हिसाब से देखें तो पहले दिन 5 करोड़ का आंकड़ा पार करना मुश्किल लग रहा है। इसका रीज़न है दोस्तों क्योंकि अभी लोगों ने केरला स्टोरी देखी है, और लगभग 2 बार भी कोई लोग देख के आए हैं, और इस फिल्म की हाइप भी इतनी नहीं है, ज़रा हटके ज़रा बचके फिल्म की हाइप भी इतनी नहीं है और लोग इतने अंदर से एक्साइट भी नहीं है। मुझे लगता है कि फिल्म अगर अच्छी हुई, अच्छी निकली, रिव्यू अच्छे निकले तो लोग देखने जाएंगे। बाकी ये फिल्म लगभग लोग OTT पे देखना ही ज़्यादा पसंद करेंगे ऐसा मुझे लग रहा है। तो आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखते हैं कल फिल्म के रिव्यू किस तरह से निकल के आते हैं, उसके बाद डिसीजन लगभग संडे को हो ही जाएगा कि फिल्म हिट होगी या फ्लॉप होगी। धन्यवाद।